जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षिता कॉटन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बहुत से लोगों को इस कंपनी का जो बोनस शेयर्स मिलने वाला था अब तक नहीं मिला है और उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है कि किसे बोनस मिलेगा और किसे बोनस नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को पूछा जा रहा है कि मिलेगा तो कब मिलेगा। तो इसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा एक तरह शुरू से करेंगे। देखिए, अक्षिता कॉटन्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का ग्रोथ हमेशा बना रहेगा। और दूसरी बात, लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसमें आपको पक्का और मतलब ग्रांटेड रिटर्न वाली जो बात होती है वो आपको इसमें मिलेगा। और साथ में एक ऐसी कंपनी जो समय समय पर बोनस के साथ साथ आपको डिविडेंड भी देती रहती है, जिसमें मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था और दिखाया भी था। आगे अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंपनी में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो शेयर के प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो फायदा होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो बीच बीच में कंपनी बोनस शेयर्स और डिविडेंड आपको देती रहती है इसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बोनस और कब मिलेगा उसको समझ लेते हैं, फिर आगे की चीज़ इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, बोनस कब मिलेगा इसको समझने के लिए अभी हम लोग इस BSE इंडिया की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पे मैंने अक्षिता कॉटन्स लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन 31 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। सबसे पहले हम लोग आते हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर कॉर्पोरेट एक्सेंस में, और कॉर्पोरेट एक्सेंस में ही पता चलता है कि कंपनी ने क्या मतलब अनाउंसमेंट किया है अपने निवेशकों के लिए। तो कॉर्पोरेट एक्सेंस में देखेंगे यहाँ पे है बोनस शेयर्स अपना 1:3 के रेशियो में। 1:3 का मतलब ये हुआ कि जिसके पास 3 शेयर्स पहले से थे उसको 1 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल उसके पास 4 शेयर्स हो जाएंगे। आपके मन में ये सवाल आ सकते हैं कि किसी के पास यदि 5 शेयर्स हैं तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, तब भी उसको सिर्फ एक ही शेयर्स मिलेंगे और उसके पास टोटल 6 शेयर्स हो जाएंगे। हाँ, यदि किसी व्यक्ति के पास 6 शेयर्स होते 3 के मल्टीपल में तब उसको 2 शेयर्स मिलते और टोटल 8 शेयर्स हो जाते हैं। तो एक तो कन्फ्यूजन दूर हो गया कितना शेयर्स मिलेगा। दूसरी बात, जो उसका रिकॉर्ड डेट रखा गया था 25 दिसंबर को। अब ध्यान से समझिए, किसी व्यक्ति के पास यदि 25 दिसंबर से पहले तक इस कंपनी के शेयर्स होंगे उसी को बोनस शेयर्स मिलेगा। कोई व्यक्ति यदि 23 को 24 को 25 को बाई किया होगा तो शायद उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बात समझिए, जब भी आप शेयर्स को बाई करते हैं तो T+2 डेज, और हालांकि अब तो T+1 डेज हो गया है, फिर भी हम T+2 डेज मांग के चलते हैं, इसमें सेटलमेंट में समय लगता है, यानी कि T+2 डेज के बाद ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि 25 दिसंबर के पहले तक आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर्स आ गए थे तब जाकर आपको इस कंपनी का बोनस शेयर्स मिलेगा। क्योंकि देखिए, किसी कोई व्यक्ति यदि 22 या 23 दिसंबर को इस कंपनी का शेयर्स बाई किया होगा तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ गया था, जिस वजह से शेयर्स उसके डीमेट में क्रेडिट नहीं हुए होंगे, इस वजह से वो व्यक्ति बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, कोई व्यक्ति यदि 22 दिसंबर से पहले 21 या 20 तक बाई किया होगा, 21-20 दिसंबर तक, तो पक्का उसको इस कंपनी के बोनस शेयर्स मिलेंगे 3:1 के रेशियो में। और कब मिलेंगे तो ये समझ लीजिए, जब भी कोई बोनस शेयर्स आता है तो कम से कम रिकॉर्ड डेट से उसको मिलने में 30 दिनों का समय लगता है, यानी कि एक मंथ का समय आप मानकर चल सकते हैं। तो रिकॉर्ड डेट तो अभी 25 दिसंबर को था और अभी आज 11 तारीख है। हालांकि 25 दिसंबर को पहले तक सभी निवेशकों को जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं उनको बोनस शेयर्स मिल जाता है, तो आप घबराइए नहीं। यदि आपको नहीं मिला है और आप इसके लिए एलिजिबल है तो पक्का आपको 25 जनवरी के पहले पहले तक इस कंपनी के जो बोनस शेयर्स मिलने हैं आपको मिल जाएंगे 25 जनवरी के पहले पहले। हालांकि आज भी, कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सीधे 25 जनवरी को ही आपके डीमैट अकाउंट में जो इसके एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने हैं बोनस वाले वो आए। तो बोनस शेयर्स को लेकर घबराना नहीं है। यदि बोनस शेयर्स नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और यदि आप एलिजिबल हैं और आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलता है तो मैं उसका भी तरकीब आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने अक्षिता कॉटन्स लिमिटेड में जो बोनस शेयर्स मिलने वाला है उसका गणित समझा कि कितना मिलेगा, किसे मिलेगा और कब मिलेगा। अब समझिए इसका इंपॉर्टेंस, ये जो कंपनी है सिर्फ बोनस और डिविडेंड के पीछे मत भागिए, इतनी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का जो काम है, सिर्फ काम के बदलते भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सेक्टर में काम करती है, उसका इतना ग्रोथ होने वाला है फ्यूचर में कि आपको ऐसे ही कंपनी मलामाल कर देगी। कंपनी जो काम करती है बेसिकली ये कॉटन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसमें ट्रेडिंग भी करती है, इसका प्रोसेसिंग फिनिशिंग सब चीज़ करती है। कॉटन्स का आप उपयोग समझिए, सबसे पहले कॉटन्स कपड़ा बनाने में यूज होता है, होमवेयर्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जो आपका होटल सीट्स होता है, जो आर्मी की यूनिफॉर्म्स होते हैं, उन सभी चीज़ों में कॉटन्स का यूज होता है। साथ ही साथ जो कॉटन्स का यूज होता है फर्स्ट एड बॉक्स जो आप देखते हैं उसमें भी मतलब जो रूज होता है वो भी कॉटन का ही होता है। तो कॉटन का यूज बहुत सारा, और हर एक समझिए कि हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री में कॉटन्स का यूज होता ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है काम के जब पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना। इसके अलावा काम तो महत्वपूर्ण है, कंपनी का फंडामेंटल भी मैंने
पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते, काफी शानदार फंडामेंटल है। मार्केट कैप तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास है ही, और स्टॉक का पीई भी देखेंगे काफी सस्ता है, वैल्यूएशन वाइज शेयर प्राइस भी ठीक है यहाँ पे। हालांकि चार्ट पे लेवल देखे मैंने बताया था कहाँ उठाना है आपको, और देखिए इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी कितना कमाल का है, तकरीबन 40% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपनी साल भर में कम से कम 35 से 40% रिटर्न निकालकर देने का दमखम रखती है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सिटा कॉटन्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना बनता है। चार्ट पर लेवल देख के आप सही समय देखिए, यदि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, या जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनके लिए सलाह यही रहेगी कि सिर्फ बोनस के पीछे मत भागिए, आप इसमें बने रहिए, कभी लंबी अवधि में भी आपको मलामाल करेगी। तो उम्मीद करता हूँ एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए हम उसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।